الحمد لله وكفى على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आज कसम शम्स ऑनलाइन सेशन 2 में आप सभी का खैर मकदम है। जैसा कि आपको मालूम है कि आज वो दिन है जो आपसे प्रॉमिस किया गया था कि आपने जो क्वेश्चंस भेजे हैं उनमें से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, यानी आपने आज का सेशन ऑनलाइन सेशन 2 में अपने जो सवालात भेजे हैं आज उनमें से कुछ सवालों के जवाब दिए जाएंगे वादे के मुताबिक। इससे पहले कि हम पहला क्वेश्चन लें, आपको आगे के लिए भी हम अपना व्हाट्सएप नंबर याद दिला दें ताकि आप आइंदा भी इसी व्हाट्सएप नंबर पे अपने क्वेश्चन भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है इस सेशन में क्वेश्चंस भेजने के लिए, वो है +91 8303 76 02 14। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि आइंदा भी आपको अपने सवालात भेजने हैं तो इस नंबर पर भेजें +91 8303 76 02 14। तो आज के बाद से आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो इंशाल्लाह नया जो सेशन होगा नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन 3 उसमें इंक्लूड किए जाएंगे। तो आपने अभी तक जो सवालात भेजे हैं उनमें से कुछ सवालों का जवाब लेकर आज हम आपके सामने हाजिर हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इंक्लूड किया जा रहा है वो है, फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ब्रदर आरिफ बेग जो कि बसना ज़िला महासमुंद छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ब्रदर। हिज क्वेश्चन इज हाउ कैन वी इंक्रीज आर ईमान। ब्रदर आरिफ का सवाल है कि हम अपना ईमान कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ये इतना प्यारा सवाल है कि मेरे दिल ने किया कि इसका जवाब सबसे पहले दिया जाए, यानी यहाँ से शुरू किया जाए। ब्रदर, अगर आप वाकई अपना ईमान इंक्रीज करना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट्स हम आपको बताएंगे, इंशाल्लाह आप उस पर अमल करेंगे तो डेफिनेटली आपका ईमान इंक्रीज होगा और सुनने वाले सभी लोगों का। एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट इज Please do read the Quran with care and understanding. अगर आपको अपना ईमान इंक्रीज करना है तो क्या करना होगा, कुरान मजीद को गौर व फिक्र से पढ़ना होगा। जब हम कुरान में गौतर से नहीं करेंगे, उसे पढ़ेंगे समझेंगे तो ये जाहिर है हमारे ईमान को बढ़ाने का जरिया होगा, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान हकीम में सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 2 में वैज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। और जब उनके सामने हमारी आयात तिलावत करती हैं की जाती हैं तो ये इनके ईमान में और इजाफा कर देती हैं, यानी कुरान मजीद सबसे मुअस्सर ज़रिया है कि ये हमारे ईमान को इंक्रीज़ करे। तो अगर हम में से कोई भी चाहता है ना कि उसका ईमान इंक्रीज़ हो तो उसे लेकर बैठ जाना चाहिए कुरान मजीद, और उसे बहुत गौर व फिक्र के साथ पढ़ना चाहिए। सिर्फ तिलावत की बात नहीं करें, गौर व फिक्र के साथ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये ईमान में इजाफे का ज़रिया बनेगा।
नंबर दो वो होना चाहिए जिक्रुल्लाह, अल्लाह ताला का जिक्र। और अल्लाह ताला के जिक्र की सबसे ख़ास शक्ल है सलाह यानी नमाज। अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं कुरान हकीम में सूरह तौहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 14 में फरमाते हैं अक़िमिस्सलाता लिज़िक्री, मेरी याद के लिए नमाज कायम करो, सलाह कायम करो। तो ये बात सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम से थोड़ी कही अल्लाह ताला ने, बल्कि कुरान में इसका शामिल होना हम सब को हम सब के लिए एप्लीकेबल है कि हम सब अपने रब को याद करने के लिए जो सबसे खूबसूरत शक्ल में जा सकते हैं वो है नमाज। तो जब हम नमाज पढ़ेंगे और खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ेंगे तो हमारा अपने रब के साथ ताल्लुक़ उस्तवार होगा, एक ज़िंदा ताल्लुक़ कायम होगा। ध्यान रहे खुशू और खुजू वाली नमाजें हाँ हमारा ईमान इंक्रीज़ करेंगी, वरना सिर्फ रुकू और सुजूद और बग़ैर समझे पढ़े जाने वाली कुरान की आयात नमाज के अंदर ये इट मे भी पॉसिबल कि उससे ईमान में इजाफा ना हो, लेकिन जब सलाह में खुशू और खुजू होगा और अपने रब के एहसास से दिल बिल्कुल भरेगा तो वो जो जिक्र है अल्लाह ताला का वो क्या करेगा, हमारे ईमान में इजाफा करेगा। और यकीनन ईमान बढ़ने और घटने वाली चीज़ है, तो जब कभी ईमान घटा हुआ लगे तो वुज़ू कर लें और दो रकअत नमाज पर खड़े हो जाएं और अपने रब का बहुत ज़्यादा जिक्र करें। जब अपने रब से ताल्लुक़ हम थोड़ा बेहतर महसूस करेंगे और उसका क़ुर्ब महसूस करेंगे तो इंशाल्लाह अपने ईमान को खिला खिला सा चढ़ा चढ़ा सा पाएंगे। तीसरी चीज़ जो करने की है वो है अल्लाह ताला की मारिफत हासिल करना, गिर्दोपेश की चीज़ों में सराउंडिंग में पूरी गौर व फिक्र करके। तो हमारे अराउंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने बनाई है और उसमें अल्लाह ताला चाहता है कि हम गौर व फिक्र करें, जैसे ये आसमान, ये ज़मीन, ये पेड़ पौधे, जानवर, चरिंद परिंद, हवाएं, बादल और ना जाने क्या कुछ, पूरी गैलेक्सीज, स्टार्स एंड प्लैनेट्स एंड ऑल, बहुत सारी चीज़। तो हम अपने गिर्दोपेश की किसी भी चीज़ को देखें तो उसमें अपने रब की कारीगरी को गौर करें कि हमारा खालिक कितना ब्यूटीफुल क्रिएटर है, उसकी क्रिएशन इतनी ब्यूटीफुल है तो वो कितना खूबसूरत होगा। तो ये क्या करेगा, अल्लाह ताला की मारिफत हमें नसीब करेगा। तो जिस बंदे को अल्लाह ताला की जितनी ज़्यादा मारिफत हासिल हो जाती है तो उसका अल्लाह ताला के साथ उतना ज़िंदा ताल्लुक कायम होता है। और ये हाँ हम कह रहे हैं ज़िंदा ताल्लुक, तो जिसका अल्लाह ताला के साथ ज़िंदा ताल्लुक कायम हो जाए तो डेफिनेटली इट विल इंक्रीज़ ईमान। और उसके अलावा हाँ करने की चीज़ ये है कि जस्ट टेक एक्शंस। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें प्लान करते हैं अच्छी अच्छी, लेकिन उसे सिर्फ प्लानिंग में ही पड़ा रहने देते हैं और इसे करते नहीं हैं। तो जो आपकी गुड प्लानिंग्स हैं उनको हकीकत में तब्दील करिए, उनको एक्शन में लेकर आइए। जैसे किसी की मदद कीजिए, और जैसे पड़ोसी के हकूक़ अदा करें, जैसे किसी बीमार को देखने पहुँच जाएँ, जैसे आपके अंदर कोई बुरी आदत है, जैसे कि सबके अंदर कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं, वीकनेसेस और फ्लॉज तो सबके अंदर होते हैं, उसको दूर करने की कोशिश करें और उसको अपने अंदर से निकाल फेंकें। जो रिश्ते मुरझाए हुए से हैं उनको फिर से ताज़ा करें और रिश्तों में फिर से हलावत वापस लाएं, कुछ एक्शन लें। एक्शन, ये जो एक्शन है, जो हमारा अमल है, ये भी ईमान के बढ़ने का ज़रिया है, क्योंकि ईमान और आमाले सालिहात एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब आमाले सालिहात बढ़ते हैं तो ईमान बढ़ता है, और जब ईमान घटता है तो आमाले सालिहात घटते हैं, और आमाले सालिहात घटते हैं तो डेफिनेटली ईमान भी घटता है। तो इसलिए जब हम अच्छे आमाल को बढ़ाएँगे तो ये हमारे ईमान को भी ऑटोमेटिकली रेज करेगा। और एक पॉइंट और हाँ ब्रदर, ये हमेशा याद रखिएगा, नेक लोगों का साथ इख्तियार करना भी ईमान के इजाफे का सबब होता है।
इसको कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ना सिर्फ इससे ईमान बढ़ता है बल्कि और भी दीगर बहुत सारे फवायद मिलते हैं। तो हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहें, सच्चे लोगों के साथ रहें, अल्लाह की याद दिलाने वालों के साथ रहें, ऐसे लोगों के साथ रहें जिनके साथ बैठते ही वो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो अल्लाह की तरफ बढ़ते हैं और अल्लाह ताला से उनके साथ में बैठने से अल्लाह ताला से जो ताल्लुक है वो बेहतर होता है। तो हमेशा नेक लोगों का साथ ही इख्तियार करें, नेक लोगों के साथ रहें, जमात से जुड़ कर रहें जो कि इस्लाम की जमात हो, जमात से जुड़ कर रहें तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये भी ईमान को बढ़ाएगा। और एक बहुत प्यारा सा अमल है जो ऐसे भी सभी को करना चाहिए, लेकिन जब महसूस करें कि ईमान डाउन डाउन है तो उस वक्त और ज़्यादा करें, और वो है सदका। जी भर के सदका करें, जो भी अल्लाह ने दिया है। अल्लाह के रसूल ने सदका को की कोई लोअर लिमिट नहीं बताई है कि बस एक कम से कम इतना और ज़्यादा से ज़्यादा इतना होना चाहिए, बल्कि जितनी अवेलेबिलिटी है, जितना अल्लाह ने नवाजा है उतने में से सदका करें। चाहे आधी खजूर देकर सदका करें, लेकिन सदका करें। तो सदका करने से भी अल्लाह ताला के ये गुस्से और गज़ब को बुझाता है, तो जब अल्लाह ताला से जो दूरी बन गई थी वो ठीक हो जाएगी, तो अल्लाह की नज़दीकी जब महसूस करेंगे, उसका क़ुर्ब महसूस करेंगे, तो क्या होगा, ईमान बढ़ेगा इंशाल्लाह। तो सदक़े की आदत डालें, जब भी ईमान डाउन हो तो सदका करें, और ये अमल अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा महबूब है। अल्लाह का महबूब अमल करें और ईमान ना बढ़े तो ऐसा कैसे हो सकता है। उसके अलावा एक बहुत प्यारा सा स्टेप आप ले सकते हैं, और वो ये है कि रात को उठकर तहज्जुद में अपने रब से बातें करें, क़याम की हालत में, यानी तहज्जुद सलाह पढ़ें और खूब तौबा करें, जी भर कर तौबा करें। तौबा भी वो ज़रिया है जो हर मसले का हल है। अगर एक मास्टर की अगर आपको चाहिए हो कि हर मसले का हल एक ही जगह पर मौजूद हो, ऐसी कोई मास्टर की हमको मिल जाए, तो ये है तौबा। खूब तौबा, खूब इस्तिग़फ़ार करें, और ख़ुसूसन तहज्जुद में उठकर, तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये भी अपने रब से ताल्लुक़ को इस्तवार करेगा, और डेफिनेटली इसके रिज़ल्ट में ईमान बढ़ेगा इंशाअल्लाह। और उसके अलावा एक चीज़ है जो हम लोग अक्सर इग्नोर करते हैं, वो ये कि हमारे अराउंड अल्लाह ताला ने बहुत सारी नियमतें रख छोड़ी हैं, बहुत सारी नियमतें अता की हैं हमको, आपको, हर किसी को, हर इंडिविजुअल को। तो कभी अल्लाह की नियमतों को काउंट करें, और ये काउंटिंग कभी एग्जॉस्ट नहीं होगी। ये तो सिर्फ इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि काउंट करेंगे तो अंदाज़ा लगा पाएंगे कि हमारे रब की कितनी ब्लेसिंग्स, कितनी नेमतें हम पर हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान हकीम में दो मकामात पर, सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 36 में, और सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 18 में, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, अगर तुम अल्लाह की नियमतों को काउंट करना चाहो, उन्हें गिनना चाहो, तो काउंट कर नहीं सकते। कहने का मतलब अल्लाह ताला ने बेशुमार लातादात नियमतें अपनी हमारे अराउंड रख छोड़ी है, तो अगर हम उन्हें काउंट करना चाहें तो काउंट नहीं कर सकते। तो हम आपको फिर भी काउंट करने का सजेशन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जब हम काउंट करेंगे ना तो हम हार जाएंगे और काउंट नहीं कर पाएंगे, तो जज्बा तशक्कुर पैदा होगा, दिल की गहराई से शुक्र होगा। उस दिन जो अल्हम्दुलिल्लाह दिल से निकलेगा उसकी बात ही अलग होगी। जब हम अपने रब का शुक्र करेंगे, सच्चा वाला शुक्र, तो इंशाल्लाह ये हमारे ईमान के इजाफे का सबब बनेगा। तो इस तरह हमने ब्रदर आपको कई पॉइंट्स काउंट कराए, इन सब को करने के बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप ज़रूर महसूस करेंगे कि आपके ईमान में इजाफा हुआ। उम्मीद है आपको जवाब ने मुतमईन किया होगा।
आज के प्रोग्राम का दूसरा सवाल है, ब्रदर राम आशीष की तरफ से। ही इज़ परसुइंग एमए फ्रॉम अलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ब्रदर राम आशीष लिखते हैं, इस्लाम से मुझे परेशानी सिर्फ इतनी है कि इसके जो स्कॉलर्स हैं वो अपडेशन नहीं चाहते। उनके हिसाब से क़ुरान शाश्वत सत्य है, उसमें कुछ गलती नहीं है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि हलाला को आप किसी भी रूप में जस्टिफाई नहीं कर सकते, वो भी आज के दौर में जब विमेन डिग्निटी की बातें की जाती हैं। मैंने व्यक्तिगत तौर पर अपने आसपास हलाला की कई घटनाएं देखी और सुनी हैं। मेरा दिल बैठ जाता है एकदम से, कोई स्त्री अपनी गरिमा के साथ कैसे समझौता कर लेती है और ये मौलाना इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करते हैं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही मैं इसके साथ हूँ। यदि कुरान में ऐसा लिखा है तो उन्हें तत्कालिक व्याख्या करके इसके संदर्भ विशेष में डालकर इस चीज़ के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है ब्रदर रामाशीष का। एक और सवाल साथ में लेंगे और दोनों सवालों का जवाब एक साथ देंगे। दूसरा सवाल है सिस्टर मारिया सदफ़ की तरफ से, लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु सिस्टर। माय नेम इज़ मारिया सदफ़ एंड आई एम फ्रॉम अलाहाबाद इंडिया। Right now, I am pursuing graduation from Allahabad University. My question is, please explain triple talaq. I know it's a very simple question, but a very complicated one, because I have seen women who are eager to break ties with their spouses just to get mehar and much more, because right now government is supporting the women the most, but unfortunately only in this matter. सिस्टर मारिया सदफ़ का सवाल है कि कहती हैं कि ट्रिपल तलाक को एक्सप्लेन कीजिए, और ट्रिपल तलाक मैं जानती हूँ कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एक कॉम्प्लिकेटेड टाइप का भी क्वेश्चन है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि बहुत सारी ख़वातीन सिर्फ महर लेने की वजह से ऐसा अपने जो शोहर के साथ जो रिश्ता है उसको तोड़ रही होती हैं, और क्योंकि गवर्नमेंट इस टाइम पर औरतों पर बहुत ज़्यादा ही मेहरबान है। और साथ ही ये भी लिखती हैं कि बदकिस्मती से सिर्फ इस मामले में मेहरबान है। तो ये थे दो क्वेश्चन। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं, लेकिन इन दोनों का जो जवाब होगा वो ऑलमोस्ट एक जैसा ही होगा, क्योंकि हलाला का जवाब देने के लिए मुझे पूरा ट्रिपल तलाक एक्सप्लेन करना होगा। तो ब्रदर ने जो क्वेश्चन किया है हलाला के ताल्लुक से कि उनको बहुत नाराज़गी है हलाला अगर कुरान में मेंशनड है तो, और उन्होंने ये भी लिखा है कि ये मतलब मुस्लिम स्कॉलर्स अपडेशन नहीं चाहते हैं और कुरान को शाश्वत सत्य मानते हैं। ब्रदर, जब मेरा जवाब मुकम्मल हो चुकेगा फिर उसके बाद आप बताइएगा कि अब कहाँ अपडेशन रिक्वायर्ड है और कुरान शाश्वत सत्य है, वो भी इंशाल्लाह प्रूव किया जाएगा। देखिए ब्रदर, इससे पहले कि हलाला पर आएँ, आपको समझना होगा कि इस्लाम में तलाक की क्या हकीकत है। देखिए, जब दो जो कपल हैं, जो दो इंडिविजुअल हैं, जो बॉन्ड ऑफ मैरिज से टाइड हैं, उन वो एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे हैं, तो उनके लिए तलाक का रास्ता इस्लाम ने खोला है। लेकिन तलाक से पहले बहुत सारे स्टेप्स हैं जो कि फॉलो किए जाने चाहिए और कुरान ने उनको रिकमेंड किया है। बहुत तफसील में हम नहीं जा सकते वक्त की कमी से, हम आपको शॉर्ट में काउंट कराते हैं कि तलाक के पहले के क्या क्या स्टेप्स हैं जो इस्लाम रिकमेंड करता है। पहली बात तो ये कि शौहर को अपनी बीवी खूबियों पर फोकस करना चाहिए और खामियों को नज़रअंदाज करना चाहिए। दूसरी बात ये कि औरत के अंदर कुछ फितरी कमज़ोरियाँ होती हैं, तो शोहर को चाहिए कि वो उन फितरी कमज़ोरियों को नज़रअंदाज करे।
ये तो रेगुलर वे में होना चाहिए, तलाक वलाक बहुत दूर उससे पहले हमेशा ही होना चाहिए। तीसरी बात ये कि अगर इन औरत के अंदर कुछ खामियां नज़र आ रही हैं, कुछ बुराइयां, तो शोहर को चाहिए कि उसको अच्छी तरह से नसीहत करें, उसे वाज़ो नसीहत के ज़रिए, उसे ब्यूटीफुल काउंसलिंग के ज़रिए समझाने की कोशिश करें। उसके बाद अगर देखता है शोहर कि औरत समझाने से बाज नहीं आ रही है, तो कुरान उसे रिकमेंड करता है कि बिस्तर में उसे अलग करो। यानी अगर एक औरत ज़रा सा भी मतलब हया वाली होगी और ज़रा सा भी उसके अंदर सेल्फ डिग्निटी होगी, तो हस्बैंड बिस्तर से अलग कर दे तो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मुमकिन है वो तब समझ जाए। अगर बिस्तर में अलग करने के बाद भी औरत नहीं समझ रही, नहीं समझ रही है, तो फिर थोड़ी सख्ती करना चाहिए। अगर मर्द थोड़ी सी सख्ती करें और तो उसके बाद भी औरत नहीं समझ रही है, तो अगला स्टेप है कि फिर दोनों फैमिली से एक थर्ड पार्टी बैठाएं, कुछ आर्बिट्रेटर्स होना चाहिए, एक मर्द की तरफ से, एक औरत की तरफ से। अब ये जो थर्ड पार्टी है, आर्बिट्रेटर्स हैं, ये डिसाइड करेंगे कि किनकी क्या प्रॉब्लम है, और बीच वाला जो बीच में पढ़ के पंच या हकम भी कह सकते हैं या आर्बिट्रेटर कह सकते हैं, वो आर्बिट्रेटर तय करे कि मसला कहाँ है और दोनों को समझा बुझा दे, इस तरह सेटलमेंट हो जाए। इतने स्टेप्स हैं बिफोर तलाक, लेकिन अगर इतने स्टेप्स लेने के बाद भी सेटलमेंट नहीं हो रहा है, दोनों खुशी से रह ही नहीं पा रहे हैं, तो अब इस्लाम ने तलाक का रास्ता खोल कर रखा है। लेकिन तलाक जिस वे में दिया जाने इस्लाम में मेंशन किया गया है कुरान में, एक्चुअली उस वे में नहीं दिया जाता, प्रॉब्लम वहाँ पे शुरू होती है। इस्लामी तरीक़ा क्या है, तलाक़ अहसन क्या है, कि एक शख्स अगर बीवी के साथ नहीं रह पा रहा है, दोनों आपस में एक साथ नहीं रहना चाहते, तो उसको चाहिए कि वो अपनी बीवी को एक तलाक दे दे। एक तलाक, मैंने तुझे तलाक दी, बस दो गवाहों की मौजूदगी में एक तलाक दे दी जाए। इस एक तलाक के बाद हाँ, बीवी को ऑर्डर है कि वो उसी घर में रहे, शौहर के घर में, और वो वहाँ से ना निकले। इसके लिए पहली तलाक के लिए जो कि रिवोकेबल तलाक है, इद्दा पीरियड है, 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, यानी वो जो मुतल्लका है, जिसको तलाक दिया गया है, जिस औरत को, वो अपनी अपने शोहर के घर पर ही रहे, और उसे 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आने तक, वो तलाक अभी ऐसी नहीं हुई है कि दोनों मिल नहीं सकते, यानी विद इन 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड्स दोनों को लगता है, 3 महीना ऑलमोस्ट ले लेगा, और इन 3 महीने के दरमियान दोनों को लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, नहीं उनको अलग अलग होने की ज़रूरत नहीं है, या कोई भी बच्चे हो जिनकी वजह से उनको लगे कि नहीं वो उनको साथ में रहना है, तो वो रुजू कर सकते हैं। ये पहली तलाक रिवोकेबल रिटर्नेबल डिवोर्स है, और दोनों 3 मंथ्स के अंदर अंदर चाहें तो रुजू कर सकते हैं और दोनों एक साथ वापस रह सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। लेकिन इन केस अगर एक तलाक हो गई है और 3 मेंस्ट्रुअल साइकल्स भी आकर गुजर गई हैं और दोनों अब सेपरेट हो गए हैं, तो उस सेपरेशन के बाद भी उन्हें 6 महीना साल भर के बाद लगता है कि उन दोनों को फिर से साथ में रहना है, तो अब वो दोनों फिर से निकाह कर सकते हैं। अब ये नया निकाह होगा और नया मेहर होगा, तो नए मेहर पर वो दोनों फिर से निकाह कर सकते हैं। और अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 232 में कि अगर ये जो सबका शोहर बीवी हैं, ये दोनों अगर फिर से एक दूसरे के साथ रहना चाहें, फिर से निकाह करना चाहें, तो इनको निकाह करने से मत रोको। अल्लाह ताला ने मना फरमाया है कि कोई लड़की के घर वाला या लड़के के घर वाला पहले की कुछ खामियां याद दिला के इनके निकाह में रुकावट बने, नहीं, उनको फिर से निकाह करने से नहीं रोको।
तो ये एक निकाह के बाद या रुजू एक तलाक के बाद रुजू भी कर सकते हैं. रुजू के जो ड्यूरेशन है थ्री मेंस्ट्रुअल साइकल्स वो भी गुजर गई है तो फिर नया निकाह कर सकते हैं. मान लीजिए दोनों ने रुजू कर लिया विद इन थ्री मंथ्स दोनों हस्बैंड वाइफ फिर से साथ में रहने लगे. अब फिर साल दो साल साथ में रहे फिर बीवी और शौहर में फिर बदमजगी शुरू हो गई. तो अब शौहर अगर फिर से उसे तलाक देना चाहता है तो सिर्फ एक और तलाक दे दे, मैंने तुझे तलाक दी, ठीक है. अब ये तलाक हो जाएगी दूसरी तलाक, और दूसरी तलाक भी रिटर्नेबल है, रिवोकेबल है, रुजाई है, ये फिर से पलटाई जा सकती है. तो अगर शौहर ने दूसरी तलाक दी है और थ्री मंथ्स थ्री मेंस्ट्रुअल पीरियड्स बीवी को अभी आके नहीं गए तो उस दौरान फिर से रुजू किया जा सकता है. और इसी तरह पहले डिवोर्स की तरह अगर ये तीन महीने में रुजू नहीं कर लेते हैं तो तीन महीने के बाद ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे. और अलग होने के बाद फिर से साल छः महीने के बाद दो साल पाँच साल के बाद उन्हें लगता है कि उसको वही वाली बीवी चाहिए तो वो फिर से निकाह कर सकते हैं. जैसे पहली तलाक के काम है पूरे सारे काम दूसरी तलाक के भी वैसे ही हैं कि रुजू भी हो सकता है विद इन थ्री मंथ्स और जो रुजू की जो मुद्दत है इद्दत गुजर जाने के बाद फिर से निकाह भी हो सकता है. मान लीजिए कि दूसरी बार भी शौहर बीवी दोनों ने रुजू कर लिया, ठीक है, एक तलाक हुई फिर रुजू कर लिया, फिर साल भर के बाद दूसरी तलाक हुई फिर तीन महीने के अंदर अंदर रुजू कर लिया, फिर पाँच साल के बाद फिर उन लोगों में अनबन शुरू हो गई और अब तीसरी तलाक दे दी शौहर ने, तो अब ये तलाक रिवोकेबल नहीं है, रिटर्नेबल नहीं है, ये एब्सोल्यूट इरिवोकेबल डिवोर्स है. थर्ड टाइम अगर शौहर ने तलाक दी है, मैंने तुझे तलाक दी, तो ये इरिवोकेबल डिवोर्स है और इसके बाद बीवी शौहर से हमेशा के लिए अलग हो जाएगी. इस तीसरी तलाक के बाद जो फिर से इन लोग के मिलने की जो गुंजाइश है वो सिर्फ एक है और वो ही दुनिया के लिए इंक्लूडिंग लॉट्स ऑफ मुस्लिम्स उनके लिए बहुत बड़ी गलतफहमी का बाइस है. एक्चुअली जिसको आप हलाला कह रहे हैं ब्रदर वो मेंशन्ड है सूरा बकरा सूरा नंबर दो आयत नंबर 230 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर अगर उसने तीसरी बार तलाक दी तो वो औरत इसके लिए जायज़ नहीं होगी जब तक कि वो औरत किसी दूसरे शोहर से निकाह ना करे और फिर वो भी इसे तलाक दे दे तो इन दोनों के मिल जाने में कोई गुनाह नहीं. ये है हुक्म शरीयत कि अगर एक औरत को तीसरी बार भी तलाक दे दी गई तो फिर अब वो उस शौहर के साथ कभी भी निकाह नहीं कर सकती इल्ला ये कि उसका निकाह किसी और के साथ हो जाता है, किसी और के साथ हो जाता है बाकायदा उसके साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए वो निकाह करती है और वो वाला शौहर अपनी मर्जी से और दोनों के म्यूचुअल कंसेंट से फिर उसके साथ भी डिवोर्स हो जाता है. हो जाता है प्लान्ड नहीं, प्लान्ड नहीं, यानी उससे निकाह करने का मकसद ये नहीं रहेगा कि उससे निकाह इसीलिए किया जा रहा है कि वो डिवोर्स दे उसके साथ नाइट स्पेंड करे और फिर वो डिवोर्स दे दे फिर वो फर्स्ट हस्बैंड के साथ एक्स हस्बैंड के साथ फिर से निकाह कर सके. नहीं, हुक्म शरीयत ये बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अगर वो उसके दूसरे शोहर के साथ उसका जो निकाह होता है वो ज़िंदगी उसके साथ गुजारने के लिए है और फिर उसके साथ भी उसकी ट्यूनिंग नहीं हो पाती, वो विदाउट कॉन्फ्लिक्ट उसके साथ भी नहीं रह पाती और वो शोहर भी उसे डिवोर्स दे देता है तो अब वहाँ से वो डिवोर्स लेकर उसकी इद्दत गुजार कर अपने फर्स्ट एक्स हस्बैंड के साथ दोबारा निकाह कर सकती है.
लेकिन हमको पता है कि ये आपका जो सवाल है वो ये समझा गया है कि ये जो थर्ड पार्टी से जो निकाह है वो निकाह प्लैंड वे में होता है और प्लान करके डिवोर्स दिया जाता है और फिर उसको फर्स्ट हस्बैंड के साथ दोबारा निकाह कर लिया जाता है। अगर ऐसा किया गया तो ये बहुत बड़ा हराम काम किया गया है। इसको हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा बुरा और गलीज गुनाह बताया है। हमारे नबी ने फरमाया, तिर्मिज़ी की हदीस है वॉल्यूम 1 पेज नंबर 412, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअन अल मुहिल्ला वल मुहल्लला, हलाला करवाने वाले और जिसके लिए हलाला किया जाए दोनों पर अल्लाह की लानत है। तो अगर ये वेल प्लान्ड हलाला मुरव्वजा किया जाए कि औरत डिवोर्स एक जगह से होने के बाद दूसरी जगह मैरिज सिर्फ इसलिए करे कि वहाँ उसके साथ नाइट स्पेंड करे और फिर वो डिवोर्स दे दे तो वो अपने पहले हस्बैंड के साथ दोबारा निकाह कर ले, तो ऐसा जो कर रहा है उसके ऊपर लानत है और जो करवा रहा है उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत है। ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा हराम है इस्लाम में। असल में इस तरह की जो हलाला मुरव्वजा है, ये जो प्लान्ड हलाला है, ये करने का जो वजह होती है वो ये कि जो तलाक़े आसन है वो नहीं दिया जाता, यानी तीनों तलाक़े अलग अलग वक्त देने के लिए हैं, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक़ देने के लिए नहीं है। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक़ को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बड़ा गुनाह बताया है और बहुत ज़्यादा डिसलाइक किया है और बहुत नाराज़ हुए आप इस बात पर। सुनन नसाई की हदीस है वॉल्यूम 1 हदीस नंबर 3433, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब बताया गया कि किसी ने अपनी बीवी को इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दिया है, एक बार में तलाक तलाक तलाक, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल नाराज़ हो गए और कहने लगे, अयुलअबु बिकिताबिल्लाह व अना बैना अज़हुरिकुम, क्या अल्लाह की किताब के साथ खेल किया जाएगा और अभी मैं तुम्हारे दरमियान में मौजूद हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर गुस्से के आसार नमूदार हो गए जब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना और इसको तलाउब बि किताबिल्लाह बताया, यानी अल्लाह की किताब के साथ खिलवाड़। तो ये इंस्टेंट ट्रिपल तलाक एक्चुअली बहुत ज़्यादा गुनाह है इस्लाम में और ये तरीका नहीं है तलाक देने का, तलाक तलाक तलाक, और प्रॉब्लम सारी क्रिएट जो होती है वो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से होती है और तीन तलाक को एक मान लेने से होती है। तीनों तलाक अलग अलग टाइम में देने के लिए है। अब मेरे भाई ये बताइए कि अगर एक शौहर अपनी बीवी को एक बार सोच समझ के एक बार तलाक देता है, फिर तीन महीने उसे सोचने की गुंजाइश मिल रही है, फिर उसके साथ रुजू कर लेता है, फिर कुछ दिन के बाद उसे लगता है नहीं रह पाएगा उसके साथ तो दूसरी तलाक देता है, फिर तीन महीना सोचने की गुंजाइश मिल रही है, फिर वो रुजू कर लेता है और फिर वो तीसरी बार फिर अगले कुछ सालों के बाद उसे लगता है कि नहीं रह पाना है उसके साथ तो तीसरी तलाक देता है। आपको लगता है ये जो तरीका है, जो स्टेप बाय स्टेप करने की चीज़ है, इससे कहीं पे भी प्रॉब्लम आने वाली है? कहीं पे भी? आपने ज़िंदगी में किसी को एक बार भी देखा है या हमने खुद आज तक किसी को नहीं देखा कि आसान तरीके से एक एक बार करके तीन बार तलाक दे दिया गया हो और फिर चौथी बार फिर वो उसी के साथ रहना चाहता हो? मैंने तो आज तक किसी को भी ज़िंदगी में अपनी नहीं देखा। तो अगर तलाक के आसान देंगे तो कॉम्प्लिकेशन होगा ही नहीं। रही बात आपके सवाल के मेन पार्ट की कि हलाला अगर कुरान में मैंशनड है तो इट मस्ट बी अपडेटेड, इसको कुछ ना कुछ इसका वैकल्प
विकल्प लेना चाहिए। तो मेरे भाई हलाले का जो मेंशनिंग हमने आपको की वो इस वे में मेंशनड है, प्लैंड वे में, नहीं करने की ज़रूरत है किसी और से निकाह, और तलाक दिलवाने के लिए निकाह करने की ज़रूरत नहीं है। और जो वेल प्लैंड हलाला करता है निकाह और तलाक, तो उस पर अल्लाह की लानत है, ये हमारे नबी ने फरमाया। अब बताइए कि क्या कहीं पे भी इस्लामी शरीयत को अपडेशन रिक्वायर्ड है? कितने ब्यूटीफुल वे है तलाक देने का। और जहाँ तक ये जो हलाला का जो मेंशनिंग है कि वो किसी और के साथ निकाह करे, उसकी साइकोलॉजी को समझिए ब्रदर। देखिए, एक औरत एक के साथ तीन बार जो उसका टाई ऑफ मैरिज था वो ब्रेक हुआ है, तो अब जब वो दूसरे के साथ रहेगी तो उसे पता चलेगा कि प्रॉब्लम एक्चुअली वहाँ नहीं, मेरे अंदर खुद एग्जिस्ट कर रही है। हाँ, तो हो सकता है दूसरे के साथ रहने के बाद वो पॉइंट उसे मिल जाए कि प्रॉब्लम वहाँ नहीं, यहाँ है, मेरे खुद के अंदर है, तो उसे बेहतर समझ में आ सके, अपनी इस्लाह वो कर सके। और जब वो अपने फर्स्ट हस्बैंड के साथ, इन केस अगर कभी ऐसा हुआ तो फर्स्ट हस्बैंड के साथ रहे, तो आसानी से रह सके। ये चीज़ें इसलिए हैं कि इंसान शरीयत को खेल तमाशा ना बना ले, अपनी मर्जी से जब चाहे तलाक तलाक कह दे और जब चाहे रुजू कर ले और अनगिनत बार ये करता रहे। और इस तरह से तो औरत खुद भी एक खेल खिलौना बन जाएगी, मर्दों के हाथ का खिलौना हो जाएगी कि जब चाहे तलाक दे दिया, जब चाहे रुजू कर लिया, और एनी नंबर ऑफ टाइम्स तलाक देते रहे और उसे सताते रहे और मेंटली टॉर्चर करते रहे। तो ये इसलिए है मेरे भाई। तो हाँ, कुरान मजीद हकीकत में वो शरीयत है जो शाश्वत सत्य है और जिसको कोई अपडेशन रिक्वायर्ड नहीं है। इस्लामी शरीयत की खूबी ही यही है कि वो 1400 साल पहले भी उतना ही मुअस्सर था, उतना ही इफ़ेक्टिव था उस अप्लाई होने के लिए, और इस्लामी शरीयत आज भी उतनी ही इफ़ेक्टिव है अप्लाई होने के लिए, और आइंदा क़ियामत तक भी उतनी ही वो वैल्यूएबल और इफ़ेक्टिव रहेगी शरीयत इस्लामी, इस्लामिक लॉज। तो इसमें कहीं अपडेशन रिक्वायर्ड नहीं है। जहाँ कहीं अजीब महसूस होता है, दिल में तंगी महसूस होती है, वहाँ समझने का फेर होता है, समझने का फेर होता है। कहीं ना कहीं हम उसे समझ नहीं पा रहे होते हैं तो गलत फहमी होती है। तो उम्मीद है मेरे भाई आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। और सिस्टर ने जो ट्रिपल तलाक के ताल्लुक से क्वेश्चन किया था, उसमें उन्होंने ये लिखा कि ऐसे औरतें तो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं। तो हाँ, बात यही है कि जो हाथ के बनाए कानून हैं, जो इंसानों के बनाए कानून हैं, वो एक तरफ लुढ़क सकते हैं, जिसका अल्टीमेट आउटकम ये आ सकता है कि सोसाइटी में एक तरफ जुल्म हो और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा उसको अवेल किया जाए, ज़रूरत से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो यही हो गया है आजकल, ट्रिपल तलाक को मुद्दा बनाकर, ख्वातीन को मोहरा बनाकर गवर्नमेंट अपना जो मंशा है वो पूरा कर रही है, तो अल्टीमेटली ख्वातीन भी उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं। इस्लाम इतना बैलेंस्ड कानून रखता है, ना ही मर्द को औरत की वजह से नुकसान पहुँचे और ना ही औरत को मर्द की वजह से नुकसान पहुँचे। दोनों के अपने अपने हकूक हैं, दोनों के अपने अपने राइट्स हैं जो दोनों को अदा करने होते हैं। कहीं पे भी इम्बैलेंस नहीं नज़र आता, जिसकी वजह से जो अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो पॉजिटिव आते हैं, ना कि नेगेटिव। तो अभी जो हिंदुस्तान में ट्रिपल तलाक के ताल्लुक से हो रहा है, डेफिनेटली उसके कई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं जो कि अफसोसनाक है। इसीलिए शरीयत की पाबंदी करनी चाहिए, ना कि गलत फहमियों की। तो ये था आप लोगों के सवाल का जवाब। उम्मीद है जवाब ने आपको मुतमईन किया होगा। अब हम लोग अगला सवाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मेरा सवाल है कि हैज के दिनों में नापाकी कब तक रहती है, प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए। यह सवाल सिस्टर शबाना बानो की तरफ से है। सिमिलर क्वेश्चन एक और है, दोनों को एक साथ लेंगे। अगला सवाल सिस्टर अर्शिया की तरफ से है, जो कि अलाहाबाद से हैं। लिखती हैं, आप हमको ये बता दीजिए कि हैज के कितने दिन के बाद नहा सकते हैं, और सब कहते हैं 7 दिन बाद नहाना चाहिए, क्या ये सही है? दोनों सवालात हैज के मुतालिक हैं, और उसकी जो मुद्दत है उसके ताल्लुक से है कि हैज के दिनों में नापाकी ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिनों तक रहती है। ये दोनों ही बहनें ये जानना चाहती हैं। देखिए सिस्टर्स, हाँ, जहाँ तक हैज की मुद्दत की बात है तो उसकी ना ही मिनिमम ड्यूरेशन और ना ही मैक्सिमम ड्यूरेशन के मुतालिक कोई भी सही आदेश मिलती है। सही आदेश नहीं है, दो अहदीस मिलती है। एक हदीस में है कि उसकी जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो 1 डे है, और मैक्सिमम ड्यूरेशन है जो वो 15 डेज़ है, वो हदीस ज़ईफ़ है। एक हदीस और मिलती है जिसमें मिलता है कि उसकी जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो 3 डेज़ है, और जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 10 डेज़ है, और वो भी हदीस ज़ईफ़ है। यानी कि हैज के मुतालिक जो उसकी मुद्दत है उसके लिए कोई भी सही अहदीस मौजूद नहीं है। लिहाजा आइमाए अरबा का इसमें इख्तिलाफ़ है, अलग अलग स्कॉलर अलग अलग ओपिनियन देते हैं, तो हम आपके सामने सबकी आरा रखेंगे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह के नज़दीक कम से कम जो मुद्दत है वो कुछ भी नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत एक रिवायत में 17 दिन और एक रिवायत में 18 दिन है। वहीं पर इमाम शाफई और इमाम अहमद रहमतुल्लाह के नज़दीक हैज़ की जो कम से कम मुद्दत है वो है 1 दिन, और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 15 या 17 दिन है। वही इमाम अबू हनीफा और उनके शागिर्द अबू यूसुफ़ और अहमद इमाम मोहम्मद के नज़दीक हैज़ की जो मिनिमम जो मुद्दत है वो 3 दिन है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो मुद्दत है वो 10 दिन है। आइमाए अरबा इस बारे में मुख्तलिफ आरा रखते हैं कि जो मिनिमम ड्यूरेशन है मेंस्ट्रुअल पीरियड वो क्या है, और जो मैक्सिमम ड्यूरेशन मेंसेस का है वो क्या है। इब्न उसैमीन कहते हैं कि जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 15 डेज़। तो अलग अलग स्कॉलर्स अलग अलग राय रखते हैं। आप ये मत समझिएगा कि अब ये लोग अलग अलग कहते हैं तो कोई तो सही और कोई तो गलत होगा। एक्चुअली बात ये नहीं है, स्कॉलर्स ने अपने अपने इलाकों में या जहां उन्हें सही समझ में आया होगा वहां सर्वे कराया होगा। तो मान लीजिए कि 500 खवातीन पर सर्वे कराया गया, तो उसमें 500 में इमाम मालिक ने पाया होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 17 से 18 दिन आ रहा है, जो सबसे ज़्यादा आया वो 17-18 दिन आ गया। तो उन्होंने ऐसा अपनी ओपिनियन दे दी कि मिनिमम मुद्दत कुछ भी नहीं और मैक्सिमम 17 से 18 दिन है। इमाम अबू हनीफा ने किसी जगह सर्वे कराया होगा जिसके बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे होंगे कि जो मान लीजिए उन्होंने 1000 खवातीन पर सर्वे कराया और पाया कि 3 दिन से कम किसी को भी नहीं होता है, और 10 दिन से ज़्यादा वहाँ किसी को भी नहीं हो रहा है, तो उन्होंने 3 दिन और 10 दिन उसकी मुद्दत रख दी। लिहाजा ये इनकी जो आरा है वो मुख्तलिफ हो गई। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाएं। एक्चुअली ये डिसाइड होगा औरत की खुद की आदत से। एक औरत को देखना चाहिए कि उसकी आदत कितने दिन की है एक्चुअली, और ये बेस्ट पता चलेगा स्टार्टिंग वाले डे से, यानी जब बच्ची बड़ी हो और उसको हैज आना शुरू हो तो माँ को चाहिए कि वो कैलेंडर में मार्क करके उसके डेज को काउंट करे कि वो उसको कितने दिन ब्लीडिंग हो रही है, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन।
उसके बाद अगले महीने फिर काउंट करें, फिर अगले महीने फिर काउंट करें, तो 3 महीने तक जो जिस तरह जितने दिन ब्लीडिंग चल रही है, एक्चुअली वो उसकी मुद्दत होगी, उसकी अपनी आदत होगी, तो उस तरह से पता चलेगा। तो बेस्ट तो स्टार्टिंग डेज से पता चलेगा, लेकिन बाद में भी कोई अगर पता लगाना चाहता है तो अपना मिजाज को समझे कि उसको कितने दिन तक ब्लीडिंग होती है, तो एक्चुअली उसका उसकी जो मुद्दत है उतने दिन की होगी। मान लीजिए किसी की हैज की जो खून आने की मुद्दत है वो 4 दिन है, तो 4 दिन के बाद उसे 7 दिन पूरा करने की ज़रूरत नहीं है गुस्ल लेने के लिए। और अगर किसी की आदत बदली है तो वो अपनी आदत बदली हुई आदत को नोटिस करे कि वो कितने दिन की है। मान लीजिए पहले 4 दिन की थी और बाद में 5 दिन की हो गई, तो वो अब वो 3 महीने तक चेक किया कि वो 5 दिन की हो गई, तो वो 5 दिन माने, और 5 दिन मानकर वो 5 दिन के बाद गुस्ल ले सकती है। किसी भी औरत को 3 दिन ही अगर ब्लीडिंग होती है, 4-5 दिन होती है, तो हरगिज़ 7 दिन या 10 दिन इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मान लीजिए किसी की 4 दिन है, 4 दिन हो जाता है, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, और अकॉर्डिंग टू आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वाइट डिस्चार्ज जैसे ही स्टार्ट हो जाता है वैसे ही औरत को समझ जाना चाहिए उसका टाइम ख़त्म हो गया और अब उसे गुस्ल करके नमाज़ें पढ़ना चाहिए। अगर टाइम पूरा होने के बाद गुस्ल नहीं लिया गया और 4 दिन की आदत थी और 3 दिन और गुस्ल नहीं लिया गया और नमाज़ें नहीं पढ़ी गईं, तो वो सारी नमाज़ें क़ज़ा हो गईं, समझ लीजिए। तो हरगिज़ 7 दिन पूरा करने का इंतज़ार नहीं करें, अपनी आदत को पहचानें और उतने दिन में गुस्ल लेके नमाज़ें स्टार्ट कर दें। मान लीजिए कि किसी को हैज़ के अलावा भी और भी खून आता है, जिसको बीमारी का खून कहते हैं और इस्लामी इस्तिलाह में उसे इस्तिहाज़ा कहते हैं, तो अगर किसी की जो मुद्दत है मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो 4 डेज का है, और 4 डेज के बाद फिर ऐसा हो गया कुछ दवाओं के असरात से या किसी भी वजह से उसको अगले 3 दिन तक और ब्लीडिंग होती चली गई, तो उसको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि मेरे हैज़ के खून का कलर क्या है और उसकी मुद्दत क्या है। वो औरत अपनी आदत को बहुत अच्छी तरह पहचानती होगी कि ये जो 4 दिन तक आया था वो हैज़ का खून था, फिर उसके बाद भी जो आ रहा है वो एक्चुअली ना ही उसका कलर वो है, ना उसका टेक्सचर वो है, और ना ही वो मेरी आदत के एन मुताबिक है, तो वो जो बकिया 3 दिन और ब्लीडिंग हुई वो हैज़ नहीं है, वो इस्तिहाज़ा है। लिहाजा वो औरत भी 4 दिन के बाद गुस्ल लेगी और वो 3 दिन जो और ब्लीडिंग होती रही उसमें वो नमाज़ें पढ़ेगी, रोज़े रखेगी, कुरान टच करेगी, सब कुछ करेगी, ठीक है। तो इस्तिहाज़ा का जो शरई मसला है वो ये कि इस्तिहाज़ा की हालत में इन औरत को नमाज़ें पढ़नी होती है, इवन पैड चेंज करके नमाज़ें पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से हैज़ को अपनी आदत को पहचानते हुए एक औरत को उतने दिन तक नमाज़ छोड़नी चाहिए, फिर बाद में वो दिन पूरे होने के बाद सलाह कायम करना चाहिए। एक और प्रॉब्लम होती है बहुत सारी ख़वातीन को और बहुत सारी गर्ल्स को, वो ये कि कभी कभी किसी किसी को ऐसा हो ही जाता है कि जो मेंसेस है वो स्टॉप हो गया, गुस्ल ले लिया काफ़ी घंटों के बाद या 1-2 दिन के बाद फिर से येलोइश या ब्राउनिश डिस्चार्ज या स्पॉट शुरू हो जाता है। तो ये जो स्पॉटिंग है वो हैज़ का हिस्सा नहीं है, इसके लिए दोबारा गुस्ल लेने की ज़रूरत नहीं है।
तो अगर बाकी का ज़माना स्टार्ट हो गया है उसके बाद कुछ फर्दर येलोइश या ब्राउनिश स्पॉट्स नज़र आते हैं तो ध्यान रखिए ये हैज का हिस्सा नहीं है और इसके लिए दोबारा गुस्ल लेने की ज़हमत करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप पाक ही हैं और आप नापाक नहीं हैं पाकी का ज़माना बीच में गुजरने के बाद हुए स्पॉटिंग की वजह से। तो ये थे आप दोनों बहनों के सवालात के जवाब, उम्मीद है जवाब आपको मिल गया होगा। आज के प्रोग्राम का अगला सवाल है, सिस्टर सुमैया महबूब जो कि रतलाम एमपी से हैं लिखती हैं, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह सिस्टर सुमैया। लिखती हैं, मेरा सवाल है कि बेटी की शादी का खाना जायज़ है कि नहीं, अगर लड़की वाले खाना खिलाएं और खाना खिलाने की इस्तेदात रखते हैं तो वो खाना खिला रहे हैं तो उसमें जाना जायज़ है या नहीं, इस मसले में बहुत इख्तिलाफ है, प्लीज़ तशफ़ी बख्श जवाब दें। सिस्टर सुमैया का सवाल है कि लड़की की शादी का खाना जायज़ है कि नहीं और उसमें जाना चाहिए कि नहीं और खाना चाहिए कि नहीं, मसले में बहुत इख्तिलाफ है, इसलिए आप तशफ़ी बख्श जवाब दें। हाँ डियर सिस्टर, आपका जो सवाल है कि लड़की के शादी का जो खाना है वो जायज़ है कि नहीं, तो असल में ये जायज़ ना जायज़ हलाल हराम की बहस नहीं है, ये सुन्नत खिलाफ सुन्नत की बहस है। लड़की की शादी में जो खाना बनेगा वो बजाय खुद हलाल है, हराम नहीं है, वो नाजायज़ नहीं है। इसके लिए आप शरीयत के दो उसूल को हमेशा याद रखिए। नंबर एक, इबादत में जो कुछ भी जायज़ है हलाल है वो सब बता दिया गया है और उसके अलावा जो कुछ भी है सब हराम है, क्लियर। इबादत में जो कुछ हलाल है वो मेंशन्ड है, उसके अलावा जो कुछ भी है सब हराम है। नंबर दो, दुनियावी उमूर में जो कुछ भी हराम है वो मेंशन्ड है शरीयत में और उसके अलावा सब कुछ हलाल है, ठीक है, क्लियर। तो अब ये जो शादी का खाना है ये दुनियावी उमूर से इसका ताल्लुक है, तो ये खाना हलाल है, जायज़ है, क्योंकि जो हराम है खाना वो शरीयत ने बता दिया है और कुरान हकीम में फॉरबिडन फूड सिर्फ फोर हैं और फोर डिफरेंट प्लेसेस पर मेंशन हुए हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान हकीम में सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 173 में और सूरह मायदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह अनआम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 145 और सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 115 में, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, आप पर हराम किया गया मुर्दा गोश्त, खून, सुअर का गोश्त और वो खाना जिस पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम पुकारा गया हो। तो हराम खाने तो सिर्फ ये चार हैं जो कुरान में चार चार बार मेंशन्ड हैं कि मुर्दार और खून, सुअर का गोश्त और गैरुल्लाह के नाम चढ़ाया हुआ खाना, ये चार खाने हराम हैं, बाकी सब खाने हलाल हैं। तो लड़की की शादी में जो डिनर दिया जाता है वो बजाय खुद हलाल है, लेकिन यहाँ बहस हलाल और हराम की नहीं है, यहाँ बहस है सुन्नत और ख़िलाफ़ सुन्नत की। एक्चुअली हमारे माशरे में जो निकाह का पूरा फॉर्मेट तैयार हो गया है वो हमारे लोकल कल्चर से इंस्पायर्ड है और उसमें बारात आती है, लड़की वाले के यहाँ खाना खाया जाता है जिसमें बहुत सजावट होती है और बहुत सोफ़े, कालीने और झूमर और चांद सितारे, फूल फूल वाली सब कुछ लगाया जाता है और उस पे से कई गुनाह की, खुले खुले गुनाह की
चीज़ें, म्यूज़िक, डीजे वगैरह किया जाता है। ये पूरा जो फॉर्मेट है शादी का या निकाह का, वो एक्चुअली खिलाफ सुन्नत है। तो हमें लड़की की शादी के खाने को तो बायकॉट करना चाहिए। हराम तो नहीं है, खाएंगे तो गुनाहगार नहीं हो जाएंगे, लेकिन हमें स्टिल बायकॉट तो करना चाहिए, क्योंकि ये सोसाइटी में बहुत बड़े फसाद की वजह बना हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा निकाह था वो बहुत सिंपल था, जिसमें लड़की वाले को एक दमड़ी भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सहाबा ने उसी तर्ज पर निकाह किया, हमारे असलाफ ने उसी तरीक़े पर निकाह किया, जिसका नतीजा ये रहा कि लड़की का बाप, चाहे 6 लड़कियों का बाप, वो आराम से पैर पसार कर सो सकता है और उसे अपनी लड़कियों की वजह से फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, उसकी नींद ख़राब होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हमने जो यहाँ के कल्चर से इंस्पायर होकर निकाह का जो पूरा तरीक़ा ही तब्दील कर दिया कि लड़के वाले बारात लेकर आएंगे और लड़की वाले डिनर देंगे, लड़के वालों को भी और अपने भी हंड्रेड्स ऑफ इनवाइटीज बुलाएंगे और उन सबको डिनर देंगे और सब मिलकर खाए उड़ाएंगे, तो ये क्या हो गया कि एक बर्डन हो गया बेटी वाले पर कि अब उसको अपनी बेटी के निकाह के लिए कहीं से भी लाखों रुपए जुटाना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं रहेगा पैसा तो बारातियों की खातिर कैसे करेंगे और अपने सारे ख़ानदान वालों को बुलाकर कैसे खिलाएंगे। तो ये एक बोझ हो गया, एक बर्डन हो गया, जिसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो ये हुआ कि अब जो गरीब हैं उनकी बेटियों को रिश्ता ही नहीं मिल रहा। और कितनी ही बेटियां ऐसी हैं जो कि इस वजह से बेब्याही बैठी हैं, क्योंकि उसके वालिद के पास इतनी दौलत नहीं है कि वो बारातियों को डिनर दे सके और उनके लिए मैरिज हॉल सजवा के वहाँ पर उनकी आवभगत कर सके। तो इसकी वजह से सोसाइटी में कितना बड़ा फसाद बरपा हो गया, कितना बड़ा नुकसान आ गया कि बहुत सारी बेटियां सिर्फ इस वजह से गैर शादीशुदा रह जाती हैं, क्योंकि उनके वालिद के पास पैसा नहीं है डिनर देने के लिए शादी वाले दिन। तो इस वजह से हमें बायकॉट करना चाहिए, हाँ नहीं जाना चाहिए, और मैसेज देना चाहिए कि भाई हम खिलाफ़ सुन्नत निकाह में नहीं जाते हैं, और इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि इस खिलाफ़ सुन्नत निकाह के पूरे फॉर्मेट की वजह से कितनी ही मिल्लत की बेटियां बैठी हैं जो शौहर्स को की शक्ल नहीं देख पा रही हैं, शौहर उनको एक अदद नसीब नहीं हो रहा है और वो सारी ज़िंदगी अपने वालिदैन के घर पर बैठ कर बूढ़ी हो जा रही हैं और उनके वालिदैन खून के आंसू रो रहे हैं उनकी बेटी का ब्याह ना कर पाने की वजह से। तो इसलिए बायकॉट करना चाहिए, इसलिए नहीं खाना चाहिए। फिर कह रहे हैं शरान हराम नहीं है खाना, लेकिन बायकॉट करना चाहिए और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को वापस लाने की कोशिश करना चाहिए। हिंदुस्तान या कहें बरे सगीर में ये करीबुल मर्ग सुन्नत है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि निकाह का जो तरीक़ा है यहाँ तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे गरीबों को बहुत परेशानी है और बहुत ज़्यादा खूबसूरती और बहुत ज़्यादा तालीम ये सब कुछ देखा जाने लगा है, जिसकी वजह से भी बहुत सारी बेटियों के निकाह नहीं हो पा रहे हैं। तो हमें बिल्कुल ऐसे शादियों का और ऐसे शादी में अपनी शमूलियत दर्ज कराने का बैकआउट करना चाहिए, ताकि धीरे धीरे अवेयरनेस आए और अल्टीमेटली हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, जो तरीक़ा निकाह सुन्नत का है, वो वापस आ सके हमारे और आपके मिलके। बायकॉट करने से कुछ तो अवेयरनेस इंशाल्लाह आ सकती है, तो ये बायकॉट करें, हराम तो नहीं है लेकिन फिर भी ये बहुत डिस्करेज्ड है कि ऐसी पार्टीज़ में अपनी शमूलियत दर्ज कराएं और खाना खाएं। उम्मीद है जवाब आपको मिल गया होगा।
अब आज के प्रोग्राम का अगला सवाल है, जो कि है सिस्टर समीना की तरफ से, जो मुंबई से बिलोंग करती हैं। एंड हर क्वेश्चन इज, कैन कुरानिक सूराज एंड दुआज बी रिसाइटेड वाइल इन द स्टेट ऑफ सेक्शुअल इम्प्योरिटी लाइक आयतुल कुर्सी एंड लास्ट टू आयत ऑफ सूरा बकरा एंड अदर्स? सिस्टर समीना का सवाल है, क्या हालत जनाबत में कुरान की आयत और सूरतों को रिसाइट कर सकते हैं, जैसे कि आयतुल कुर्सी हो या बकरा की आखिरी दो आयत हो वगैरह वगैरह? देखिए सिस्टर, कुरान रिसाइट करने की जहाँ तक बात है तिलावत की गरज से, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत नहीं किया करते थे, जो कि हदीस है तिर्मिज़ी की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत जनाबत के अलावा हर हालत में कुरान रिसाइट करते थे। तो तिलावत की गरज से रिसाइट करना ये तो मना है, ये तो नहीं कर सकते हैं सेक्सुअल इम्प्योरिटी में। एक और हदीस है अहमद और अबू याला की, जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो हालत जनाबत में हो वो कुरान की एक आयत भी ना पढ़े। तो तिलावत की गरज से रिसाइट नहीं करें, लेकिन अज़कार की जहाँ तक बात है, जो कुरान का कोई पोर्शन अज़कार की वजह से दुआ के लिए आपको रिसाइट करना हो, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि सही मुस्लिम में हदीस है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से, जब किसी ने पूछा कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत जनाबत में अल्लाह का ज़िक्र किया करते थे, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में अल्लाह का ज़िक्र किया करते थे। तो अज़कार जितने हैं और क़ुरान से भी हैं, तो वो हालत जनाबत में बिल्कुल रिसाइट कर सकते हैं। जैसे कि आपने पूछा ही है आयतुल कुर्सी, हाँ आप आयतुल कुर्सी पढ़ सकती हैं ज़िक्र के लिए, बकरा की आखिरी दो आयत हाँ आप पढ़ सकती हैं, सूरह फातिहा पढ़ सकती हैं, दीगर दुआएँ हैं क़ुरान मजीद में बहुत सारी, तो वो सारी दुआएँ अज़कार वो सब आप पढ़ सकती हैं बग़ैर परेशानी के हालत जनाबत में भी, क्योंकि जनाबत में ज़िक्र करने से मना नहीं किया गया है, क़ुरान की तिलावत करने से मना किया गया है। तो आज के लिए ही इतना ही, आपके अभी बहुत सारे सवालात और हैं, जिसको हम ऑनलाइन सेशन 2 के पार्ट 2 में इंक्लूड करेंगे, और वो पार्ट 2 भी बहुत जल्द ही आपको प्रीमियर के ज़रिए पहुंचा दिया जाएगा। तो ये रहा ऑनलाइन अस्मा शम्स सेशन 2 पार्ट 1, और जल्द ही आपसे मुलाकात होगी ऑनलाइन सेशन 2 पार्ट 2 में। इस दरमियान भी आप अपने क्वेश्चंस सेंड कर सकते हैं, हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर फिर से बता दें, अगर किसी के पास नोटेड डाउन नहीं है तो वो नोट कर ले, +91 8303 76 02 14। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप अपने सवालात महीने में कभी भी भेजें, जब आज का अस्मा शम्स सेशंस हुआ करेंगे तो आपके कुछ सेलेक्टेड सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी सेशन 2 पार्ट 2 में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह ताला से दुआ है कि आप बख़ैर आफ़ियत रहें और आपका रमज़ान पूरी सेहत और बहुत अच्छी इबादत में गुज़रे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।